नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जीडी समाचार। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भाजपा ने पूरे दमखम से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने उन्हें बीजेपी सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि जैसे जैसे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश उतना ही मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। आज तेरह राज्यों में भाजपा की सरकार है और आने वाले 2047 तक देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उसे हम सब मिलकर पूरा करने वाले हैं। आने वाले 2 महीने तक सदस्यता अभियान चलने वाला है। 50 से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर सदस्य बनाएंगे। ये देश भर में संगठन महापर्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सदस्यता ग्रहण किया। आज पूरे देश के अंदर, सभी प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी आज मुख्यमंत्री का जो सदस्य ग्रहण हुआ, आज हमारा यही संदेश है कि देश को मजबूत करने के लिए पूरे देशवासी आगे आकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ग्रहण करके, जिस तरह हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें विकसित भारत बनाने के लिए सभी देशवासियों से हम आग्रह करते कि आइए सदस्य बने और देश को आगे ले जाए। क्योंकि हमारे कांग्रेस हो, विपक्ष के पूरे दल, इस देश को जाति के नाम पर, यह प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर जो तोड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी बार बार जो जातिगत जनगणना के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में जो मगरमच्छ के आंसू बहते हैं, आप ही के दल है, आप ही के पार्टी है, शुरुआत से ही ओबीसी के विरोधी थे। चाहे नेहरू जी हो, काका कलेकर कमीशन को विरोध किया और मंडल कमीशन को राजीव गांधी ने सख्त विरोध किया। आप जाति आधारित आरक्षण नहीं चाहते थे। आज राहुल गांधी ने आज लोगों को भटकाने के लिए ओबीसी के बारे में आज आंसू बह रहे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ही ओबीसी का आज उत्थान हुआ, ओबीसी का कल्याण हो रहा है और आरक्षण भी आज सभी, आज शैक्षणिक संस्था हो और कर्मचारी में हो, सरकारी नौकरी में भी और मंत्रिमंडल में पहली बार 75 साल के आज़ादी के अंदर 27 ओबीसी समाज के लोगों को आज मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर उनका मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में और हमारा संगठन का महापर्व सदस्यता अभियान में और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज सदस्य प्राथमिक रूप से बने हैं और कल ही हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सदस्य बनने से इसकी शुरुआत हुई है। सभी प्रांतों के दृष्टि से इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी आज इसमें शुरुआत हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज सदस्य बने हैं। कल से ही हमारे सभी जिलों में, पूरे 35 संगठन के जिलों में, और ये हमारा महापर्व जो है संगठन का सदस्यता अभियान की, और पूरे जोर शोर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और 5 तारीख से सभी मंडलों में और शक्ति केंद्रों में शनि तो आज सभी प्रांत के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सहित वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण की है पुनः, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष में ये सदस्यता का कार्य भारतीय जनता पार्टी में अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संगठन के, और ये शुरुआत होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी है और आज संगठन पर्व की यहाँ से शुरुआत हुई है सदस्यता की, और उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी का संगठन महापर्व कल से प्रारंभ हो गया है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, वो देश का पहला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य
बने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य जेपी नड्डा जी उनको सदस्यता प्रदान किए हैं और आज यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ का अवसर था और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी मुख्यमंत्री के नाते हमको प्रथम सदस्य बनाए हैं। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी के और भारतीय जनता पार्टी संगठन छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत आभारी हैं और आने वाले 2 महीना ये सदस्यता अभियान चलने वाला है और 50 लाख का लक्ष्य है। हमारे एक एक कार्यकर्ता मतलब एक एक घर, एक एक गांव, एक एक गली जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सफलता मिली है।